नीचे क्वार्टर है, ऊपर वाटर है। उसका मार देख के मेरा नशा ही उतर गया। इस क्वार्टर में वाटर मिक्स करके मोड बनाना ही पड़ेगा, यही बेटर है। आजा बैठ जा। तो सच में ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है? क्यों, आपको मुझ पर शक है क्या? अरे मैं तेरा दुश्मन थोड़ी हूँ, आज अपने इलाके में एक्शन सीन देखा। अरे उसने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? रिस्क ले लेते तो आपका प्रमोशन हो जाता गुरुजी। हर किसी को अपने हिसाब से ड्यूटी करने में कोई बुरा नहीं। अब हम ज्यादा रिस्क उठाएंगे तो हमारा डिस्क ढीला हो जाएगा। चाहे कुछ भी ढीला हो जाए, मैं उसे पकड़ कर रहूंगा और प्रमोशन लेकर रहूंगा। ए, वो घर की मुर्गी है क्या कि उसे पकड़ लेगा और प्रमोशन पा लेगा? तो फिर प्रमोशन पाने के लिए पहले ऑफिसर की बीबी को शॉपिंग कराना पड़ता है, उसके बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ता है, उनके घर में भाजी लेके जाना पड़ता है, तब जाके कई प्रमोशन मिलती है। सर, आप मुझे डरा रहे हैं या खुद डर रहे हैं? अरे मैं फैक्ट कह रहा हूँ यार, तुमने ऐसा क्या कर दिया जिससे तू आस लगाए बैठा? प्यारे, तेरे पास तो एक टूटा फूटा डंडा है और क्रिमिनल्स के पास गन है। मान ले तू उसे मारने के लिए आगे बढ़ा और अपना फर्ज निभाते हुए तू शहीद हो गया, फिर तेरी नौकरी किसी और को मिल जाएगी। 35 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे, तू ही जरा सोच के देख क्यों हम खाकी वाले वारदात के बाद ही पहुँचते हैं। ये आप नहीं, आपकी ब्रांडी बोल रही है। आप लाख कोशिश कर ले, मैं नहीं डरने वाला सर। ड्यूटी के समय मैं अक्षय कुमार हो जाता हूँ, वसूली के समय अमिताभ बच्चन या सनी देओल हो जाता हूँ। मैं अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता। पुलिस, मैं तो चला उधर। ये बंजर दिमाग में खेती कर रहा है। तू तो उम्मीद से पहले लौट आया गुरुजी, गर्मा गर्म पड़ी। बहुत जोर की पड़ी गुरुजी। प्यारे, गांधी जी कहते हैं हमेशा सच कहो और ब्रांडी कहता है हमेशा नशे में रहो। इस ब्रांडी वाले की बात तूने पहले सुन ली होती तो किसी के पीछे भागते हुए तू पिट पिटा के नहीं आता। सुन, घूसा खाने के बाद जो तुझे चोट लगी है उसका इलाज सिर्फ ब्रांडी के पास है। ओम ब्रांडी देवाय नमः। गुरुजी, आप मेरे लिए रामायण के साक्षात राम हैं। आज से तू मेरा सच्चा शिष्य, अब तू हनुमान बन के मेरे आदेशों का पालन कर। पहला आदेश है, एक घूंट में कटक ले। ऐसे गुरुजी सबको मिले। जल्दी पे, एकदम प्रोफेशनल लगता है। जल्दी कटक लीजिए वरना मैं ही जाऊंगा। यूजलेस फेलो। कश्मीर की गली को मैं अपने बगीचे में सजाऊंगा और घोड़े की तरह इस पर मंडराता रहूंगा। ओ माय डियर, कम हियर। आप कौन हैं? मनमोहन जी, पिज्जा बॉय। मैंने तो ऑर्डर नहीं दिया था। तो फिर साहब ने ऑर्डर दिया होगा। एक घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा था। हैरान हो गया हूँ पता ढूंढते ढूंढते। ठीक है, लाओ। मैडम, क्या है? पैसा। किसका? आपने जो हाथ में लिया है उसका पैसा मांग रहा हूँ। ये बिल लाया हूँ, इसे पे कर दीजिए। मैडम, मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगी क्या? कौन सी? ये पिज्जा मैं अपने हाथों से सर्व करूँ? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, यहीं खड़े रहो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। आपकी मर्जी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई अप्सरा उतर आई हो। अरे वाह, क्या है चीज, ऊपर से इसका कट पीस। साहब लगता है बहुत बड़े बैट्समैन है। बाप रे, साहब के बैट पर तो धूल जमी हुई है। ये लो। साहब आजकल क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं क्या? क्यों? बैट पे धूल जमी हुई थी इसलिए कह रहा हूँ, लगता है T20 खेले जमाना हो गया। उसे तुम्हें क्या लेने देना? बैट का सही इस्तेमाल ना हो तो मुझे अफसोस होता है। बहुत टाइम पास हो गया, चलो निकलो। मैडम मैडम, मैं भी एक अच्छा बैट्समैन हूँ, एक बार मुझे खेलने का सही मौका मिल जाए तो। एक ओवर में 6 छक्के लगा सकता हूँ मैं। ओवर एक्टिंग करना बंद करो, तुम यहाँ से निकलो। बाप रे, आप तो नाराज हो गई। I'll better luck next time. ये मेरा विजिटिंग कार्ड, आपके फोन का इंतजार करूंगा। प्लीज जल्दी फोन कीजिएगा। आप पिज्जा के लिए तो क्या मैं चलूं? अपने आप बाहर जाओगे या धक्का देकर निकालूं? ओके, बैट। बाय द वे, माय नेम इज। मौका देखकर चौका मारना था लेकिन इसने मुझे धक्का दे दिया। कभी ना कभी तो लाइन पर जरूर आएगी। आइए अंकल, आप इस तरह से घूर क्यों रहे हैं मुझे? मुझे पता है वो यहीं पर है। कौन अंकल? मैंने पूरा शहर छान मारा, मुझे वो कहीं नहीं मिला। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ वो यहीं पर है। अंकल, आप किसी को ढूंढते हुए यहाँ आए हैं क्या? अरे वही जॉनी वाकर को।
ओह, वो ब्रांड तो खत्म हो गया है अंकल। एक बात जान लो, टेस्ट लेकर कौन सा ब्रांड है ये बताने वाले सैकड़ों मिलेंगे, लेकिन खुशबू से ब्रांड बताने वाला अकेला मैं ही हूँ। देखो उस रैक के अंदर जॉनी वाकर रखा है, उसे जाकर ले आओ, जल्दी करो। ले आती हूँ। राम मोहन जी भी एक भगवान स्वरूप इंसान है और ये बेचारी भी सचमुच एक देवी है। राम मोहन जी पैसा कमाकर दारू खरीदते हैं और ये उन्हें लोगों में बांटकर उनका उद्धार कर रही है। ये लीजिए अंकल, संभाल के। बहुत बहुत थैंक्स, तुम्हारे जैसी दानी औरत की वजह से ही राम मोहन जी और 100-200 साल जिएंगे। अच्छा, राम मोहन जी कब आने वाले हैं? आज आ जाएंगे वो। हाँ, वो आए तो उन्हें कहना मैंने उन्हें याद किया। जॉनी वॉकर का बोतल लेके जा रहा हूँ, ये भी बता देना, ठीक है? ठीक है अंकल। और हाँ, एक बात और, ये जॉनी वॉकर के चक्कर में मैं बताना ही भूल गया। एक पागल जेल से भागकर इधर उधर कहीं भटक रहा है, इसीलिए ओवर टाइम कर रहा हूँ और ओवर कोटा पी रहा हूँ। बेटी तुम जरा संभाल के रहना, ठीक है? ठीक है अंकल। लेकिन मेरे डर से वो या नहीं आएगा, फिर भी अगर डर लगे तो तुम फोन कर देना, मेरा नंबर है 840940। ठीक है अंकल। ओके, थैंक यू बेटी, मैं चलता हूँ। तुम इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हो। या तुम्हारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे? मेरे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, किसके बारे में आपको बताऊं, बोलिए। तुम्हारे पूर्वज सच में थे तो मैं उनका आदर करता हूँ, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मेरा आदर करोगे। ओके। अब बताओ, तुम्हारे पूर्वज के सामने एक गुंडे ने किसी लड़की का रेप किया और मान लो तुम्हारे पूर्वज ने उसे रेप करते हुए देखा, उन्होंने पुलिस को हादसे के बारे में सब कुछ बताया, अब बताया तो कैसे बताया? अरे बाप रे, कौन है तू? पिज़्ज़ा बॉय सर। अच्छा, तो फिर हाथ में डंडा और ये खंजर क्यों है? पार्ट टाइम के लिए गोरखा सर। सर, मैं समझ गया है कौन है, लफड़ेबाज। अरे वाह, पहले हाथ मिलाओ। तुम बड़े शाणे हो। वो भाग गया सर। अरे रुक रुक रुक। अरे रुको। सर, वो हमसे भी तेज भाग रहा है, पकड़ में नहीं आएगा। अब हमें कुछ और प्लान करना होगा, है ना? आपकी एज बड़ी है, आपका पेट बड़ा है, आप उसके जितना दौड़ पाएंगे क्या? मेरी उम्र और मेरी तोंद का बहाना ना बनाओ, तुम थक कर रुक गए इसीलिए वो भाग निकला। मैं तो सिर्फ आपके लिए रुक गया। ए, रेप करने वाला कभी रुक के बताता है कि उसने रेप किया? हाँ। वो तो भाग जाता है ना। हाँ। भी वही किया। क्यों बताया? आगे के लिए याद रखना। अबे रुक रे, भागता क्यों रे? रुको। अरे बेवकूफ, तेरी वजह से वो हमारे हाथ से भाग गया और उसे पकड़ने के चक्कर में हमारी आधी क्वार्टर उतर गई। उसे फिलअप करने के लिए आधी क्वार्टर और लगानी होगी। ये लो, दो घूट मार लो। लो। नहीं, मूड नहीं है। हाँ, तो फिर मैं अकेला ही पी लूंगा, ऐसे यहाँ रहने देता हूँ। तू बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। ए, तू उधर देख, मैं हल्का होता हूँ। पता नहीं कहाँ भाग गया। क्या रे, मेरा मूड नहीं कहकर तू आधी बोतल खाली कर गया? गुरुजी, मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं पी है। अरे तो फिर किसने पी है? क्या पता, तेरे अलावा और कोई है? चले गए, यहाँ से निकल लो वरना मार मार के कच्चू मार बना देंगे। अब मैं कौन हूँ मुझे कोई नहीं पहचान सकता, चाहे जो हो जाए आज मैं अपना टैलेंट दिखा कर ही रहूंगा। दिखने में तो वो बिल्कुल लंगूर के जैसा लगता है, इस वक्त तुम्हारे घर की वो बेल बजा रहा है, लगता है शायद उसे कुछ चाहिए। आप कौन है? मेरा नाम मनीष कोइराला, मेरा गांव नेपाल, मेरा काम गोरखा। आपको मैंने पहले भी जरूर कहीं देखा है। सवाल ही नहीं पैदा होता है, यहाँ क्राइम बहुत बढ़ गया, इसलिए यहाँ की सरकार ने मुझे स्पेशल प्लान करके बुलाया है आपकी सुरक्षा के लिए। अच्छा, आइए अंदर आइए। आता हूँ। जल्दी आइए ना। आप इस एरिया में क्यों आए हैं ये तो मुझे नहीं पता, पर आपको अंदर क्यों बुलाया है ये आपको जरूर बताऊंगी। मैं समझ गया, दूध पिलाने के लिए आपने मुझे अंदर बुलाया ताकि मैं ड्यूटी पर सोऊं नहीं। दूध या चाय? नहीं, चाय चाय चाय। ना दूध मिलेगा ना चाय मिलेगी, जाओ। मेरी प्रॉब्लम क्या है आप समझ नहीं पा रही हैं? जब से आपको देखा है होश खो बैठा हूँ, अब नाम मत कीजिएगा, मुझसे कंट्रोल नहीं होगा। एक बार क्यों, रोज ही आपको मिलेगी। रोज की बात छोड़िए, कम से कम आज चाय की खुशबू तो लेने दीजिए मैडम। तो ये बात है, बहुत कुछ है। ठीक है, मैं लाती हूँ, आप यहीं रुकिए। ठीक है, लगता है आज चाय मिल ही जाएगी। क्या हुआ आपको? आप पूछ रही हैं क्या हुआ? अरे कोई आकर मुझे धोकर चला गया मैडम। ऐसा क्या? ऐसा क्या, आप ही बोलो। तो भूत ने आके आपको मारा? इस घर में भूत है?
पहले भी आपके जैसे यहाँ कोई आया था, भूत ने उसका गला दबाकर उसे मार डाला। बाप रे, इस घर में भूत है, आप मुझे भागने दीजिए। तुम इतनी ईमानदारी से ड्यूटी निभा रहे हो, या तुम्हारे पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे? मेरे पूर्वज थे, उनके पूर्वज थे, किसके बारे में आपको बताऊं? बोलिए। तुम्हारे पूर्वज सच में थे तो मैं उनका आदर करता हूँ, अगर तुम गलत साबित हुए तो तुम मेरा आदर करोगे। ओके। अब बताओ, तुम्हारे पूर्वज के सामने एक गुंडे ने किसी लड़की का रेप किया और मान लो तुम्हारे पूर्वज ने उसे रेप करते हुए देखा, उन्होंने पुलिस को हादसे के बारे में सब कुछ बताया, अब बताया तो कैसे बताया? अरे बाप रे, आ गया, बचाओ। रुको, कौन है तू? पिज़्ज़ा बॉय सर। अच्छा, तो फिर हाथ में डंडा और ये खंजर क्यों है? पार्ट टाइम के लिए गोरखा सर। सर, मैं समझ गया है कौन है, लफड़ेबाज। अरे वाह, पहले हाथ मिलाओ। तुम बड़े शाणे हो। वो भाग गया सर। अरे रुक रुक, वो हमसे भी तेज भाग रहा है, पकड़ में नहीं आएगा। अब हमें कुछ और प्लान करना होगा, है ना? आपकी एज बड़ी है, आपका पेट बड़ा है, आप उसके जितना दौड़ पाएंगे क्या? ए, मेरी उम्र और मेरी तोंद का बहाना ना बनाओ। तुम थक कर रुक गए इसीलिए वो भाग निकला। मैं तो सिर्फ आपके लिए रुक गया। ए, रेप करने वाला कभी रुक के बताता है कि उसने रेप किया? वो तो भाग जाता है ना। आगे के लिए याद रखना। अरे बेवकूफ, तेरी वजह से वो हमारे हाथ से भाग गया और उसे पकड़ने के चक्कर में हमारी आधी क्वार्टर उतर गई। उसे फिलअप करने के लिए आधी क्वार्टर और लगानी होगी। ये लो, दो घूट मार लो। लो। नहीं, मूड नहीं है। हाँ, तो फिर मैं अकेला ही पी लूंगा, इसे यहाँ रहने देता हूँ। तू बेवकूफ का बेवकूफ रहेगा। ए, तू उधर देख, मैं हल्का होता हूँ। पता नहीं कहाँ भाग गया। क्या रे, मेरा मूड नहीं कहकर तू आधी बोतल खाली कर गया? गुरुजी, मैं सच कहता हूँ, मैंने नहीं पी है। अरे तो फिर किसने पी है? क्या पता, तेरे अलावा और कोई है? अरे चले गए, यहाँ से निकल लो वरना मार मार के कच्चू मार बना देंगे।